तो बच्चों ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचरों का, ऑन व्हाट सम विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट रेट 4% पर एनम विल बी रुपीज इतना। तो बच्चों ये क्या है, देखो ये है क्या, अब इस पे तो अमाउंट रुपीज कुछ है नहीं, नहीं यार ये अमाउंट भी नहीं है, ये है क्या, देखो व्हाट विल बी सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इतना रुपीज। तो बच्चों ये क्या है, हम पे कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों, रेट गिवन है मुझे 4, टाइम गिवन है मुझे, मुझे प्रिंसिपल नहीं गिवन, ना मुझे अमाउंट गिवन है। तो करना क्या है, देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर एन, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरे को नहीं गिवन तो मैं पी रखता हूँ राइट, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + R कितना है मेरे पे 4/100, एन कितना है 2 राइट, तो ये हो जाएगा पी 104, 104/100 की पावर 2। तो देखो मैं इसको काटता हूँ, किससे कट रहा है ये, 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 जा, फिर 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 2 2 2 25 जा, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो पी 26/25 की पावर 2। तो देखो जो अमाउंट आने वाला है वो हो जाएगा बच्चों मेरे पे कितना, अमाउंट आ जाएगा पी 26 × 26 कितना हो जाएगा बच्चों, 26 × 26 होता है 676/25 × 25 आपको पता है 2 625, ठीक है 625 ठीक है। तो देखो जो अमाउंट आया मेरे पे, जो मेरे पे अमाउंट आया मुझे निकालना प्रिंसिपल है राइट, तो अमाउंट जो आया वो कितना है 676 P/625 625 राइट, ये मेरे पे अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा यही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 7 5 7 1 2 इक्वल्स टू अमाउंट मेरा ये है 676 P/625 माइनस प्रिंसिपल मुझे गिवन नहीं, तो मैं इसको पी लिख लेता हूँ। अब देखो मैं एलसीएम लेता हूँ और देखो इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पे पी आराम से आ गया। तो देखो आप मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5712 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखो ये आ जाएगा 625, ये तो एज इट इज रहेगा 676 P माइनस ये हो जाएगा 625 P राइट, ये 165 1 जा 65 और 61 65 × P 625 P राइट। तो देखो अब मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, अभी आपको आराम से हो गया है ना, तो 5712 इक्वल्स टू मैं इन दोनों को माइनस करूंगा बच्चों, तो ये आ जाने वाला है कितना, ये आ जाएगा इन दोनों को माइनस करूंगा तो 51 P/625 625 इधर जाएगा नीचे 51 जाएगा, तो जाएगा 5712 × 625/51, तो मेरे पे जो पी आने वाला है बच्चों वो आ जाएगा 700000 राइट। तो ये जो आप इसको सॉल्व करना तो आपका आंसर आएगा 700000 है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 14th करते हैं।